सकते, मैंने इनेबल कर दिया, लगा दिया, अब गाड़ी को आप चला नहीं सकते, चाबी लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए यार, स्कूटी आप चला नहीं सकते यार। ये मैंने स्टैंड लगा दिया है, यहाँ से स्कूटी चालू है हमारी, ये देखिए रेस दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं टायर घूम रहा है। अगर आप सिर्फ एक स्टैंड की वजह से, अगर मैं आप इसको लगा के ऐसे कर देता हूँ, अब रेस दीजिए तो ये दोस्त। हेलो दोस्तों, माय नेम इज आकाश, वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है आपका अनदर वीडियो पे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सारी जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इन सब के बारे में डिटेल देंगे। पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, हर 100 रुपये के पास पहुँचने वाला है, 100 रुपये प्रति लीटर बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है पेट्रोल के बारे में, तो यार बहुत ज़्यादा दाम बढ़ रहे हैं। इससे अच्छा आपको मेरे अकॉर्डिंग तो, और सबके अकॉर्डिंग मेरा भी मानना यह है, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज़ करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो भैया हमारे साथ रहेंगे, ये कुछ डिटेल देंगे हमें, भैया कुछ बताइए आप अपने बारे में और यहाँ के एड्रेस के बारे में बताइए सबसे पहले। नमस्ते सर, मेरा नाम विकास कुमार है, यह है पटेल नगर 3rd 8C गाजियाबाद। ये हमारी इलेक्ट्रिकल की बाइक्स हैं जो सबसे बढ़िया बाइक हैं। इनके फीचर यह है कि ये कम से कम बिजली में चार्ज हो जाती हैं और सबसे ज़्यादा चलती हैं। तो आपके कहने का क्या मतलब है, मतलब कितने घंटे में ये चार्ज हो जाएगी और कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड कब लेगी? सर ये दो बैटरी उसमें आती हैं, एक लेड एसिड बैटरी में आती है, एक लिथियम बैटरी में आती है। लेड एसिड बैटरी 6 से 7 घंटे में फुल चार्ज आती है, जबकि लिथियम बैटरी 3 घंटे में फुल चार्ज आती है। सबसे बेस्ट ये है कि फुल चार्ज होने में 1 से 1.5 घंटे लेती है, ज़्यादा बिजली नहीं लेती। मैक्सिमम स्पीड मतलब 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं एक बार चार्ज में ये? सर अलग अलग व्हीकल हैं, जो 60 भी चलती है, 70 भी चलती है, 100 भी चलती है, 100 से ऊपर भी चलती है। मतलब एक बार चार्ज करेंगे आप 100 से ऊपर भी चल सकती है? ये फ्रंट पे है व्हाइट वाली, सर ये एक बार फुल चार्ज में 70+ चलती है। 70+? यस सर। इसमें सर 1000 वाट की मोटर होती है, इसमें 1000 वाट की मोटर होती है और आपका अलाउ भी लोड है, डिस्क ब्रेक होती है, जो एक बार फुल चार्ज पर 70+ जाती है। 70+ जी। तो भैया मतलब इसके अगर स्पेस की बात करूँ मैं, तो इसका सीट के नीचे स्पेस कितना मिलेगा? इसके सीट के नीचे स्पेस सर हाफ हेलमेट आराम से आ जाता है, आप अपना मेन सामान कुछ भी छोटा मोटा सामान बाजार का सामान आराम से लेके आ सकते हैं। ये हमारी स्कूटी 250 से 300 kg वेट कैरी कर सकती है। 250 से 300 kg वेट कैरी कर सकती है। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके का होने वाला है। अगर मैं पीछे की बात करूँ तो दोस्तों पीछे का प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। और भैया अगर मैं इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो प्राइस क्या होने वाला है? आज के डेट में 72,000 रुपये है दोस्तों। 72,000 रुपये में ये आपको ऑन रोड पड़ने वाली है। लोन वगैरह हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है भैया के पास। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ये, मतलब कलर तो बड़ा प्यारा लग रहा है, इसका मेटेलिक कलर है और इस तरीके का कुछ एडिशन टाइप का मिलने वाला है आपको स्पोर्ट पावर नाम से। इसमें भी डिस्क ब्रेक मिलेंगे आगे और पीछे भी हैं क्या भैया? पीछे नहीं है, आगे मिलेंगे बस। इसके मतलब प्रोफाइल की देखिए यार, फुल एक्सेसरी इस पर इंस्टॉल्ड हो रखी है। साइड प्रोफाइल की बात करूँ मैं, साइड से आपको इस तरीके की देखने के लिए मिल जाती है। यार इसका अलॉय व्हील देखिए, इसमें अलॉय व्हील कितने प्यारे लग रहे हैं। अलॉय व्हील यार डायमंड कट, बहुत ही अच्छे तरीके के इसमें आपको अलॉय मिलने वाले हैं। साइड प्रोफाइल में आपको दिखा चुका हूँ, तो भैया इसके बारे में कुछ डिटेल दीजिए। सर ये हमारी टॉप मॉडल है, इसके टायर्स बड़े हैं और स्कूटियों में सर 10 इंच के टायर आते हैं, इसमें 12 इंच के टायर हैं। इसके अलावा व्हील भी बड़े हैं, इसके डिस्क ब्रेक भी बड़े हैं। इसमें सर मोटर 1500 वाट की मोटर होती है, ये एक बार फुल चार्ज पर 90 से 100 किलोमीटर आराम से चली जाती है। ये 72 वोल्ट में आती है आपकी, इसमें 12 वोल्ट 27 AH की 6 बैटरी लगती हैं, लेड एसिड की बैटरी होती हैं। तो इसमें कुछ सेफ्टी फीचर भी होगा? क्रूज मोड सबसे बेस्ट है, क्रूज मोड सिस्टम। जैसे आप खाली रोड पे जाते हैं, आपका हाथ दर्द करता है या आपकी जैसे चोट लगी हुई है, आपका जाना अर्जेंट है, आप अपनी गाड़ी को एक स्पीड पे सेट करके उसी स्पीड पे परमानेंट चला सकते हैं। तो आप मुझे इस मोड के बारे में कुछ बताइए और दिखाइए भी किस तरीके का मोड होने वाला है। सर ये मोड होता है क्रूज मोड सिस्टम। अगर आप कहीं जा रहे हैं, खाली रोड है, आपने एक एक्सीलेटर दिया और आपने क्रूज मोड दबा दिया, तो ये कंपल उसी रेस पर परमानेंट चलती रहती है बिना एक्सीलेटर दिए। ओके। और इसमें चाइल्ड लॉक सिस्टम होता है, बच्चों के लिए होता है। जैसे आप बच्चों को लेके जाते हैं, खड़े होकर बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, अगर आप गलती से आपका एक्सीलेटर पर हाथ चला गया तो एक्सीडेंट होने का डर होता है, इसलिए चाइल्ड लॉक सिस्टम होता है। अगर आप बटन को प्रेस कर देते हैं तो आपका ये सिस्टम आपकी गाड़ी जो है ऑपरेट करना बंद कर देती है, इसकी पावर कट हो जाती है। तो ये तो दोस्तों इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं, कुछ सेफ्टी फीचर्स, बच्चों से सावधानी रखने के लिए ये भी इसमें फीचर मिलने वाला है। अगर मैं आपको उसका मीटर दिखाने की बात करूँ तो इसका आप यार मीटर देखिए, ये देखने लायक चीज़ है। इस तरीके का कुछ आपको यहाँ पे यार देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा शानदार लग रहा है। यहाँ पे आपको एमओ की बैजिंग मिल जाती है, मतलब यहाँ पे यार दिखने की बात करूँ अगर मैं, दिखने में तो मतलब बहुत ज़्यादा बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और इसकी की का डिज़ाइन देखिए आप, मतलब लग नहीं रही है स्कूटी की, कोई कार की लग रही है देखने में, कोई कार की चाबी है इस तरीके की लग रही है। तो भैया इसकी प्राइसिंग के बारे में कुछ बात करेंगे अब हम, किस प्राइस में मिलने वाली है?
में आपको मिलने वाली है। आप यहाँ पर आइए, एक बार जरूर विजिट कीजिए। यहाँ के एड्रेस के बारे में मैं आपको डिटेल्स जितनी भी होंगी वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ के एड्रेस के बारे में आ सकते हैं, जो यहाँ के ओनर हैं आपको यहाँ के सारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकते हैं। फीचर देखिए, मतलब ये सेंट्रल लॉकिंग, लॉक अनलॉक वाला ये फीचर भी आपको बेस्ट फीचर मिलने वाला है। एंटी थेफ्ट सिस्टम होता है इसमें, जिसमें आप अगर अपनी गाड़ी को, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, सब सोचते हैं कि गाड़ी चोरी हो जाएगी अगर मैं नीचे खड़ी करके चला जाऊं, कहीं चली आई कोई खींच ले जाएगा। सबसे बेस्ट फीचर ये है, अगर ऐसे आप अपने रिमोट से लॉक कर देते हैं, इसके दोनों व्हील लॉक हो जाते हैं। अगर बाई चांस कोई इसका हैंडल अगर लॉक तोड़ भी दे या मास्टर की से खोल भी दे, तो जब भी ये गाड़ी नहीं चलती, इसके दोनों व्हील लॉक रहते हैं। ये एक बार लॉक होने के बाद अपनी चाबी से भी नहीं चल सकती। अरे तो बड़े कमाल का फीचर बताया भैया ने, मतलब एक बार आप लॉक करेंगे तो दोनों टायर इसके जाम हो जाएंगे और फिर ये चलेगी नहीं। मतलब लॉक होने के बाद ना टायर इसके हिल सकते हैं, बिल्कुल जाम हो जाएगी स्कूटी। आपके कहने के मतलब बिल्कुल जाम, ना ही कोई चोरी कर सकता है, ना ही कुछ कर सकता है, ना ही आगे चलेगी, उठा के ले जानी पड़ेगी। कोई चोर लेके आए, लेके जाएगा तो उठा के लेके जाएगा। ओके, तो लॉक लगने के बाद सायरन की आवाज़ जो है, सायरन साउंड जो है बहुत ज़्यादा हाई है इसका। चोरी होने की तो बात है ही नहीं बिल्कुल भी। 95,000 में ऑन रोड आपको मिलने वाली है जी। कीलेस या कीलेस भी ऑन हो जाएगी भैया, वो वाला फीचर दिखाइए यार आप। ये बटन होता है इसमें, अगर आप दो बार प्रेस करते हैं तो गाड़ी ऑन हो जाती है। ओके, दो बार अगर हम इस बटन को दो बार प्रेस करेंगे गाड़ी ऑन हो जाएगी जी। और ऑफ भी ऐसे हो जाएगी, ऑफ भी ऐसे हो जाएगी, अनलॉक बटन दबा दीजिए ऑफ हो जाएगा। 95,000 में इतने अच्छे कार वाले फीचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं यार, बहुत अच्छे लोन फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी यहाँ पे। अभी तो दोस्तों अब हम सेकंड ऑप्शन पे इस पे आ जाते हैं, रेड कलर में डिस्क ब्रेक, इसमें आप भी आपको यही मिलेंगे। और जो इसकी लुक है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, कलर भी बहुत बढ़िया लग रहा है, लुक्स के मामले में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एक्सेसरी इसमें ऑल इंस्टॉल्ड मिलने वाली हैं आपको। सेट प्रोफाइल कुछ इस तरीके का होने वाला है आपका। और इसमें जो अलॉय है ना यार, मतलब पहले वाले में भी यही थे, इसमें थोड़े से चेंज है, उसमें थोड़े देखिए, इसमें थोड़ा ये डिफरेंस है, इसमें बड़े हैं और इसमें थोड़े छोटे हैं। मतलब यार मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा इस स्कूटी में अलॉय ही लगा, मतलब अलॉय व्हील इसमें इतने अच्छे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बहुत अट्रैक्टिव है, दूर से नज़र जा रही है, आई कैप्चर्ड है। तो इस स्कूटी के बारे में क्या डिटेल्स होने वाली है भैया? सर ये लिथियम बैटरी में आता है आपका, ये एक बार फुल चार्ज पे 120 से 130 किलोमीटर चलती है। एक चार्ज में 120 से 130 किलोमीटर, मतलब ये आप इतना क्लेम कर रहे हैं या ये डेफिनेटली इतनी ही चलेगी? इतनी ही चलेगी, इतनी ही चलेगी। ओके, कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों भैया के कहने का मतलब, एक बार आप चार्ज करेंगे 120 से 130 किलोमीटर इसको रन कर सकते हैं, और ये इतने का क्लेम करते हैं 120 से 130 ही चलेगी। तीन घंटे में, ओके, सबसे बेस्ट है। ये दो तरीकों से चार्ज होती है, अगर आपका घर फ्लैट में है या आपका घर बाहर चार्जिंग का कोई स्लॉट नहीं है, तो आप इसकी बैटरी को निकाल कर अटैची की तरह घर में ले जाके चार्ज करके द्वारा इसमें लगा सकते हैं। यार भैया ने ये वाला फीचर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बताया, अगर आपके पास कोई भी सॉकेट नहीं है इसको चार्ज करने के लिए, तो आप इसकी बैटरी निकाल सकते हैं। इसे हटा के निकाल के ले जाके आप अपने घर में रख के चार्ज कर सकते हैं, इस बैटरी को आराम से चार्जिंग हो जाती है। इसके लिए कोई अलग से पावर पॉइंट की जरूरत है, जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं उससे ये बैटरी चार्ज हो सकती है। दोस्तों मतलब यार भाइयों क्या चीज दिखाई है भाई ने, मतलब बैटरी रिमूवल है, यहाँ से आप निकालेंगे, रिमूव करेंगे और अपने घर पे जाके इस बैटरी को इस तरीके से यहाँ से उठा के लेके जाएंगे और चार्ज कर लेंगे। मतलब जैसे मोबाइल को आप चार्ज करते हैं घर में, इस तरीके से आप इजीली इस बैटरी को चार्ज कर लेंगे, बहुत अच्छा है। मतलब चुरने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अपना स्कूटी यार मतलब अल्टीमेट चीज है। एक तो भैया ने जो फीचर दिखाया बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी वाइज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो भैया मतलब जो इसमें आपने इस स्कूटी में मुझे जो भी मोड्स दिखाए थे सेफ्टी फीचर्स, वो सब सेम होने वाले इसमें? सेफ्टी फीचर्स सब सेम होते हैं, सारे स्कूटी में सारे सेफ्टी फीचर्स सब सेम है। बकायदा से मोड सिस्टम भी होता है, जैसे आप भीड़ में है तो आप स्लो मोड पर चला सकते हैं, मीडियम भीड़ में है तो आप मीडियम स्पीड पर चला सकते हैं, आप खाली रोड है तो हाई स्पीड पर चला सकते हैं। तो इसमें सारे हमें मोड मिलने वाले हैं, मतलब ईगो स्पोर्ट चलती है ये नॉर्मल स्लो मीडियम हाई मीडियम हाई। तो भैया उसका कुछ हमें दिखाइए कुछ बटन वगैरह। ये आपके मोड होते हैं, फर्स्ट मोड यहाँ फर्स्ट लिखा है स्लो मोड पे है, सेकंड आता है तो मीडियम मोड पे आता है, और थर्ड आता है तो हाई मोड पे चलती है। तो सही देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये मोड यहाँ पे चेंज, जैसे भाई कर रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे चेंज होते दिखा रहे हैं। अब ये थर्ड है तो सेकंड में कीजिए, एक बार दो बार प्रेस कीजिए, वन टू सेकंड पे आ गया, अभी फर्स्ट पे आ जाएगा ऐसे ही नीचे। मतलब इस तरीके के तीन ऑप्शन इसमें मोड दे रखे हैं, भैया ने सारे फीचर्स बता दिए यार। इसकी की देखे यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी मिल जाता है आपको, मोबाइल चार्जिंग स्लॉट मिलने वाला है आपको यहाँ पे, अपना कोई भी बोतल वगैरह कुछ रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। इस तरीके का यहाँ पे हैंगिंग ये भी मिलने वाला है आपको। सबसे बेस्ट फीचर
आदमी थोड़ा जल्दी में होता है, साइड स्टैंड खुला रह जाता है, भूल जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ठुक जाता है, गिर जाता है, जब तक इसका साइड स्टैंड खुला हुआ है, जब तक गाड़ी ऑपरेट नहीं होती, मतलब कुछ नहीं होगा, नहीं गाड़ी नहीं चलेगी। तो दो सबसे बढ़िया सबसे कमाल का फीचर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए यार, ये साइड स्टैंड है इसका, ये मैंने इनेबल कर दिया, लगा दिया, अब गाड़ी को आप चला नहीं सकते, गाड़ी नहीं चलती, चाबी लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए यार, स्कूटी आप चला नहीं सकते, आगे नहीं कर सकते, स्टैंड नहीं लगेगा जब तक गाड़ी नहीं चलेगी। जब तक मैं ये स्टैंड अगर इसको बंद ना कर दूं ऐसे, तब तक आप स्कूटी नहीं चला सकते यार, मैं कमाल का फीचर मिलने वाला है, मतलब अल्टीमेट होने वाला है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने स्टैंड लगा दिया है, यहाँ से स्कूटी चालू है हमारी, ये देखिए रेस दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं टायर घूम रहा है, अगर आपको दिख रहा हो, रेस दे रहे हैं, अभी ये दिबे दीजिए, ये देखिए टायर नहीं घूम रहा, कुछ भी नहीं, मतलब स्कूटी एकदम जाम हो चुकी है सिर्फ एक स्टैंड की वजह से। अगर मैं आपको इसको लगा के ऐसे कर देता हूँ, अब रेस दीजिए, तो ये दोस्तों इस तरीके का यार मतलब अल्टीमेट फीचर होने वाला है भाई ये। तो भैया इसके बारे में कुछ बताइए, डिटेल्स क्या होने वाली है इसकी? इसकी भी 98,000, इसकी 98,000, 3,000 ऊपर है दोस्तों, 3,000 ये वाली ऊपर है, मगर इसमें आपको सेफ्टी फीचर और जो भी मोड दिखाए हैं भैया ने वो बहुत ज़्यादा यार हाई लेवल और नेक्स्ट लेवल की चीज़ें लग रही है मुझे तो। मतलब स्टैंड वाला यार ये मतलब अल्टीमेट, ये वाला फीचर मैंने आज से पहले तो कहीं नहीं देखा, आपने देखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक स्टैंड की वजह से नहीं आपकी स्कूटी छोड़ सकती है, चाबी लगा के भी लेना चाहेगा ना यार, कोई लेके जाना भी चाह रहा है तब भी नहीं लेके जा सकता, अल्टीमेट फीचर इसमें मिलने वाले 3,000 रुपये, ये 95,000 रुपये, ये 98,000 रुपये मिलने वाली है आपको। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और दोस्तों थोड़ा प्यार दिखाते रहिए यार, मेरे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए, भाई की मेहनत को आगे बढ़ाइए यार, मैं आप लोगों के लिए धूप में मतलब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सराहना कीजिए, थोड़ा यार चैनल को आगे बढ़ाइए, प्यार दिखाइए दोस्तों यार, वीडियो को थोड़ा लाइक करते रहिए, मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी लाता रहूँगा।